ठीक है चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे हाथ मिला रहे हो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितना सुंदर नज़ारा है ना, सुबह के किरणें हर इंसान को बहुत ज़रूरी है। इट मेक्स योर माइंड फ्रेश, इट मेक्स यू फील फ्रेश और एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। दिन बहुत ही अच्छा था, मौसम वॉज ऑल क्लियर, तो हमने क्विकली गेटअप किया और अपने अपने टेल बैग्स को अपनी अपनी बाइक पर लोड किया। सुकून से हमने ब्रेकफास्ट की, पराठा और गर्म चाय और ऑमलेट, एंड वी वर ऑल सेट फॉर द राइड। सो वी आर हेडिंग टू काजा, 213 किलोमीटर्स। कोई भी है ना, दूर नहीं रहेगा, सब साथ में आएंगे। ओके, टेक अ वाइडर टर्न, लुक हियर, ब्राइट सनी डे, बट टापों में बारिश हो रही है अभी, मेरे को अपडेट मिला है, तो होपफुली हम सही सलामत पहुंच जाए। कल्पा और रेकोंग पियो ना इस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही अलग है विंटर राइड से। इट इज ऑलवेज सेफ टू कम ऑन दिस टाइम, रियली ब्यूटीफुल विजिटिंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो हम कुछ ही मिनटों में कल्पा से रेकोंग पियो और रेकोंग पियो से नीचे की तरफ मेन हाईवे पे आ गए, जो रास्ता काजा की तरफ जाता है। रास्ते इतने अच्छे हो गए कि हम अभी भी एक रिलैक्स मोड में ही चल रहे थे, राइड कर रहे थे। काफ़ी अच्छा मौसम और डे था, हमने कुछ अच्छे छोटे वाटरफॉल्स देखे, कुछ अच्छे सीनिक व्यूज़ देखे और हम स्पिलो में बस हंसते खेलते पहुंच गए। हम स्पिलो ना एक 50-55 मिनट में हम स्पिलो पहुंच गए। यहाँ पे हमने सुट्टा ब्रेक नहीं लिया और कुछ ही दूर स्पिलो से आगे निकलने के बाद हमको एक ब्रोकन टामैक रास्ता मिला, उसके आगे वापस हम अच्छे रोड पे आ गए थे। नाको तक बीआरओ ने काफ़ी अच्छा टामैक रोड बनाया है, अभी पहले जैसा टाइम भी नहीं लगता है और डर भी नहीं लगता। रोलिंग रंग कल्पा से नाको एक 106 किलोमीटर है और टाइम लगता है 2 से 2.5 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन राइडर टू राइडर, क्या वो कितने ब्रेक लेता है और कैसा चलाता है। अभी रास्ते काफ़ी अच्छे हो गए तो पहले जैसा उतना टाइम भी नहीं लगता यहाँ पे पहुँचने, तो हम काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हुए हम नाको की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत रिलैक्स राइड करते हुए, काफ़ी अच्छे नज़ारे देखते हुए हम नाको पहुँचे। यहाँ पे भी हमने ब्रेक नहीं लिया और नाको के आगे हम निकल गए। थोड़ी दूर जाके ऑफकोर्स हमको मलिंग, जो फेमस है शूटिंग स्टोन के लिए, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे भी हमने क्रॉस किया। तो एक बार आप जब मलिंग नाला क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ से ऑफ रोड पैच चालू होता है। रास्ते यहाँ पे भी आने वाले दिनों में बन जाएंगे, जैसे कि आप थोड़े थोड़े पैचर्स में देख रहे हैं क्या टारमैक रोड बन चुका है। JCBs आपको यहाँ पे रास्ते पे दिखेगी कमिंग ईयर्स, राइडिंग टू नाको अप हिल एंड फ्रॉम नाको राइडिंग डाउन टूअर्स टाबो यू विल सी ऑल टारमैक। कम ऑन संदीप, स्टैंड एंड राइड। So whenever you are on such trails or such ride, always keep few things in mind. Every day before the ride start, check your bike, put the saddle back properly, strap it properly and check the chain loop, check tire pressures every day. हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि हम सुमदो में जाके जलेबी और समोसे खाएंगे, अगर वो कैफेटेरिया ओपन है तो, क्योंकि विंटर्स में वो जगह बंद थी। यहाँ से सुमदो एक 38 किलोमीटर्स का रास्ता था।
after eating samosas and jalebi, we were all riding towards Dabo. Good thing was, climate was, weather was all clear. और हमने फिर यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती की. देख लो. Put your leg up. जेसीबी तो गए है ना आगे? जेसीबी गए, खुल जाएगा वैसे. बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है क्या? ज्यादा हुआ तो बहुत नाले हैं, दो तीन जगह हुआ था बस. अच्छा ठीक है, चलो. थैंक यू. अरे हाथ मिला रहे हो. थैंक यू. अश्विनी कहाँ से? मैं तो मंडी से हूँ. मंडी से ही है? अरे चलो सही है. चलो बाय. थैंक यू. ताबो के आगे कल रात बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से आगे गाड़ियां नहीं जा रही है. यहां से ताबो सिर्फ 5 किलोमीटर था, तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ वहां पे आके रुक जाओ, जब वहां से कोई गाड़ियां आएगी चालू होगी तो आगे की तरफ जाना. क्या करना है? ताबो पहुंचने के बाद मैंने सोचा क्या यहां पे ही रुक जाते हैं, वाई टू टेक चांस. हमने एक दो होटल में पूछा भी कि जगह है कि नहीं, क्या करना है. वॉज थिंकिंग टू मच. और तभी ये कुछ नन्हे से बच्चों ने आकर थोड़ा सा हमारा माइंड चेंज किया. स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा. ये बाइक बहुत अच्छा है. हाँ ये बाइक बहुत अच्छा है. किसका है? मेरा है. ये बाइक बड़ा मस्त है. किसका है? ये उसका है. ये सब आप सब बाइकर हो? हाँ. आप तीनों की तीन. फिर मैंने सुमन करके एक होम स्टे है गाजा में, उनको मैंने फ़ोन किया क्योंकि वो यहाँ के ही है, फाइंड आउट करने के लिए क्या है हालात यहाँ पे. और लकीली ही वॉज अहेड ऑफ ताबो, एक विलेज वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि वहाँ तक आ सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मडी और स्लश पैच आया जहाँ पे किंजल अपनी एक्सपल्स 200 V4 पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था. ये उसका पहला राइड था और वो भी स्पिटी में. ही वाज डूइंग फैंटास्टिक, बट आगे जाके वो गिरा एंड ही वाज ऑल ओके. एंड हम थोड़ी देर में सिजलिंग विलेज जो आगे था वहाँ पर हम पहुँच गए. तो वी आर इन सिजलिंग. यहाँ से आगे नहीं जा सकते, लैंड स्लाइड है. और हम यहाँ पे बीबी नहीं रखने का ऐसा शौक कोई मतलब नहीं बनता. क्या है ये? ओ भाई साहब, हो गया इनका. ओ मैन, मुंबई जाने कर दिए. कितने दिन पहुँच रहे जी आप घर में? आप तो नेपाल का है ना? हमको मतलब ज़्यादा इंजन वाला का गाड़ी चलाया तो एक दिन में पहुँचा है, वरना दो दिन. यहाँ से बॉम्बे एक दिन में पहुँचा? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, बॉम्बे से दिल्ली. दिल्ली एक दिन. और यहाँ पे लगा है रुक रुक के आते हैं ना, तीन दिन. चलो एक हाफ एन आवर 40 मिनट्स का हमने ब्रेक लिया और किसी लोकल ने बोला कि आगे अभी बाइकर्स जा सकते हैं, तो हमने क्विकली बाइक पर बैठी और
क्या बोले सर जी? आगे से राइट ले लो। हाँ आगे से राइट ले लो। हाँ हाँ क्या याद करेगा भाई? नहीं जा सकते get down रूट लिया। ऑब्वियसली मेन रास्ता अभी भी बंद था, हाफ एन आवर और 40 मिनट और लगने वाले थे। डी रूट करने के बाद मैं देखता हूँ कि आगे 200 से भी ज़्यादा फोर व्हील और बसेस रुके हुए हैं टू गो टूअर्स डाबो साइड। आगे रास्ता खुला है ना? आगे खुला है। अभी टाइम लगेगा। हाँ आधा घंटा। आधा घंटा और लगेगा। वो कब से आता आता हाँ चलो 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 लेना पक्के में नीचे दो उसको जो हेल्प कर दो आगे पूरे जाने की कोशिश नहीं पानी है। संकल्प एवरीवन कमिंग Come on, look here. Wait, hey, come on this side. Okay, wait. Go. Bus. Bus. You okay? You will be fine? आधा घंटा 20 मिनट्स व्हेन वी मूव्ड इट वाज हाफ एन आवर आई थिंक मोर 20 और 15 मिनट्स दैट्स इट बिकॉज़ इट्स वेरी मक तो द टायर माइट गेट स्टक व्हीकल्स आर मूविंग ना नो नॉट येट but it will start moving in like 20-15 minutes okay. The only thing is everybody is not prone to cross the mark na okay. Chalo thank you easy yeah Kinjal and Sandeep rocking abhi hum kaza pahunch gaye hain pehle hum jayenge refuel karenge fir हिमालयन कैफे जाके खाएंगे क्योंकि लगी है भूख जबरदस्त